हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिन्हें हम फ़ोन पर बात करते टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो, आप कौन बोल रहे हो? हु इज स्पीकिंग? मैं पूनम बोल रही हूँ। क्या मेरी बात पिंकी से हो सकती है? दिस इज पूनम स्पीकिंग। मे आई टॉक टू पिंकी प्लीज? वह अभी घर पर नहीं है। सी इज नॉट एट होम राइट नाउ। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हो? मे आई नो हु इज स्पीकिंग? मैं पिंकी की बहन हूँ। आई एम पिंकी सिस्टर। आप कैसे हो? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? आई एम वेरी गुड एंड हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। घर में सब कैसे हैं? हाउ आर एवरीवन एट होम? हेलो 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 हेलो। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ, अभी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। यस, नाउ आई कैन हियर योर वॉइस। क्या आप पिंकी को मुझे कॉल करने को बोल सकते हैं? कुड यू टेल पिंकी टू कॉल मी बैक प्लीज? हाँ, ज़रूर। यस, ऑफ कोर्स। तो फ्रेंड्स, आपने अभी यहाँ पर देखा कि हम फ़ोन पर बात कर रहे थे। इसके अलावा हम फ़ोन पर और किस तरह से बात कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं और हमें सामने वाले की आवाज़ नहीं सुनाई दी या हम उसे समझ नहीं पाए वो उन्होंने क्या कहा। तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि आप वह दोबारा से बोल सकते हो। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? नेक्स्ट वन इज़, अब कई बार होता है कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और अचानक से कोई आ जाए तो आप फ़ोन पर क्या कहते हैं? कृपया फ़ोन पर ही रहना, मतलब आप उन्हें होल्ड पर रहने के लिए कह रहे हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, कुड यू होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज़? कुड यू होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज़? नेक्स्ट वन इज़, अब कई बार होता है आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी वॉइस आपको बिल्कुल लो आ रही है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे वो आपसे क्या कह रहे हैं। तो आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं? आप कहते हैं, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है या बहुत कम सुनाई दे रही है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई एम गेटिंग योर वॉइस वेरी लो। आई एम गेटिंग योर वॉइस वेरी लो। नेक्स्ट वन इज़, अब आप फ़ोन पर बात कर रहे हो और आपको बहुत अर्जेंट काम याद आ जाए तो आप पहले वो काम करना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत अर्जेंट है। तो आप फ़ोन पर कह सकते हो, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट वन इज़, आपकी आवाज़ कट रही है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, यानी कि कभी आवाज़ आ रही है और कभी नहीं आ रही है, तो आवाज़ कट कर आ रही है। आप इंग्लिश में कह सकते हैं, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट वन इज़, क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो? अगर आपको उनकी आवाज़ जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ आपको बहुत लो आ रही है तो आप उन्हें इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे, कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। नेक्स्ट वन इज़, मैं एक मिनट में आपसे बात करती हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई विल टॉक टू यू इन अ मिनट। आई विल टॉक टू यू इन अ मिनट। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप क्या कहते हो? आप कहते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, आई कांट हियर यू। योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, आई कांट हियर यू। नेक्स्ट वन इज़, मुझे लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। कई बार होता है अगर किसी का फ़ोन आ रहा है और वो नहीं उसे सुन पा रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे, आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट वन इज़,
अगर आपको किसी का कॉल आ जाए और आप उन्हें नहीं जानते हो तो आप उन्हें क्या कहते हो कि यह गलत नंबर है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स अ रॉन्ग नंबर, इट्स अ रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट वन इज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और आप किसी को बता रहे हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हो माई फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ, माई फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट वन इज आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, क्या आप यह दोबारा बोल सकते हैं। ये आप तब कहते हो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आया उन्होंने आपसे क्या कहा, तो आप इस तरह के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। नेक्स्ट वन इज अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आ जाए और आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो तो आप उन्हें कह सकते हो आपको किससे बात करनी है। आप इंग्लिश में इसे कहेंगे होम डू यू वॉन्ट टू टॉक, होम डू यू वॉन्ट टू टॉक। नेक्स्ट वन इज अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो और आपका फ़ोन उस टाइम ना उठाए तो बाद में जब आपकी उनसे बात हो तो आप उन्हें पूछ सकते हो आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आप इंग्लिश में कहेंगे वाई वर यू नॉट पिकिंग अप माई कॉल, वाई वर यू नॉट पिकिंग अप माई कॉल। नेक्स्ट वन इज आपसे मुझे कॉल मत करना, ये आप गुस्से में कहते हो। अगर आपको किसी को कहना हो और इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हो डोंट कॉल मी अगेन, डोंट कॉल मी अगेन। नेक्स्ट वन इज अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आपका नेटवर्क इशू हो जाए और आपका फ़ोन कट जाए तो आप उन्हें कॉल बैक करके कह सकते हो माफ़ करना फ़ोन गलती से कट गया था। आप इंग्लिश में कह सकते हो सॉरी द फोन वॉज डिसकनेक्टेड बाई मिस्टेक, सॉरी द फोन वॉज डिसकनेक्टेड बाई मिस्टेक। नेक्स्ट वन इज अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपको बहुत अर्जेंट वर्क आपका याद आ जाए तो आप उसे फ़ोन पर कह सकते हैं मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई विल कॉल यू लेटर, आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट वन इज मैं अब फ़ोन काट रही हूँ। आप किसी से बहुत देर से बात कर रहे हैं और अब आप फ़ोन काटना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल, नाउ आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो नाउ आई एम हैंगिंग अप द कॉल, नाउ आई एम हैंगिंग अप द कॉल। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए जिन्हें हम फ़ोन पर बात करते टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।